आज 31 दिसंबर है, यानी कि साल 2021 का लास्ट डे है और कल से नए साल की शुरुआत हो रही है। लेकिन यह नया साल काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें लेकर आ सकता है, वो इसलिए क्योंकि नए साल से महंगाई और बढ़ने वाली है, क्योंकि अब हर चीज़ पर कुछ सामान पर टैक्स बढ़ने वाला है और इस टैक्स की वजह से कुछ सामान महंगे हो जाएंगे, जिस वजह से दिक्कतें और भी ज़्यादा आम जनता को हो जाएगी। क्या कुछ महंगा हो जाएगा, इस रिपोर्ट पर देखिए। नए साल के शुरुआती दिनों में ही आम जनता को महंगाई का झटका लगने वाला है। 1 जनवरी 2022 से ही सभी की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। आपको बता दें कि 2022 से कई चीजों पर टैक्स बढ़ रहा है। इसमें कपड़े, जूते, चप्पल खरीदने से लेकर ऑनलाइन खाना मंगवाना आपको काफी महंगा पड़ने वाला है। आपको बता दें कि 1 जनवरी से रेडीमेड गारमेंट्स पर जीएसटी की दर 5% से बढ़कर 12% हो जाएगी। इसमें रेडीमेड गारमेंट्स की कीमतें बढ़ेंगी। वहीं कपड़ा व्यापारी इस बदलाव से खुश नहीं है। कपड़ा व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी में इजाफा होने से रिटेल कारोबार बुरी तरह प्रभावित होगा। वहीं व्यापारी जीएसटी में इजाफा किए जाने का विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार अपने फैसले से पीछे हटने के मूड में नहीं है। ऐसे में नए साल से रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने के लिए ग्राहकों को अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। साथ ही अब तक 1,000 रुपए तक की कीमत वाले जूते चप्पल 5% जीएसटी दायरे में आते हैं। इसके अलावा चमड़े पर 12% टैक्स लगता है, जिसका असर जूते चप्पलों पर भी पड़ेगा। कपड़ों और जूतों के अलावा अगर आप भी ऑनलाइन खाना मंगाने के शौकीन हैं, तो आपकी जेब पर भारी असर पड़ने वाला है, क्योंकि 1 जनवरी से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने पर कंपनियों को टैक्स का भुगतान करना होगा, जिसका असर ग्राहकों पर जरूर पड़ेगा। वहीं बैंक ग्राहक एटीएम से कैश ट्रांजैक्शन के लिए पहले जितना भुगतान कर रहे थे, अब उससे अधिक भुगतान करना होगा। 1 जनवरी 2022 से ग्राहकों को फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर ज्यादा भुगतान करना होगा। पिछले 2 सालों से देश कोविड से जूझ रहा है, जिस कारण बेरोजगारी काफी बढ़ी है और ऊपर से इस महंगाई की मार ने लोगों की कमर को तोड़ कर रख दिया है। वहीं अब 1 जनवरी 2022 यानी कि कल से और भी ज्यादा महंगाई बढ़ने वाली है, जिस कारण लोगों के अंदर नए साल की खुशी के साथ साथ बढ़ती महंगाई ने मायूस कर दिया है। डेस्क रिपोर्ट, R9 न्यूज़।